Hello, Assalamualaikum. What is the process and what documents are required to apply for Canadian Music Visa? आज हम इस पे बात करेंगे. There are two portals, एक GC की है, दूसरा IRCC है. इन दोनों portals में से किसी भी portal पे जाके आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए जो फी है, दैट इज 100 Canadian dollar और $85 फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक की फी होती है. अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेनली इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. नंबर वन द आइडेंटिटिकल डॉक्यूमेंट्स और नंबर टू पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. नंबर वन, अगर हम आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को, उसकी शनाख्त को शो करते हैं. इसमें आपका CNIC आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, की फोटोग्राफ्स आ जाएंगी. इसके अलावा MRC इन केस इफ यू आर मैरिड, MRC इज अ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. और इन एनी अदर केस, और इफ यू आर नॉट मैरिड तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो इसमें अगर आपके नाम पे कोई बिजनेस है या कोई प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं. देन NTN की कॉपी, टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगे 2 साल के. इसके अलावा इसमें बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड है जो कि मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए. जब भी आप कनाडा के विजिट वीजे के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपका जो टूर प्लान है वो 15 से 20 दिन का होना चाहिए. उसमें आप ये बताएंगे कि आपने किन किन सिटीज को, किन किन प्लेसेस को विजिट करना. सो 15 से 20 दिन का आपका जो एस्टिमेटेड एक एक्सपेंसेस होते हैं वो बिटवीन 1500 to 1300 Canadian dollars होते हैं. इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो विजिट वीजा के लिए रिक्वायर्ड हैं या हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसमें कवर लेटर है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाएगी, देन होटल बुकिंग है, टिकट कंफर्मेशन है. होटल बुकिंग तो आजकल बहुत इजी है, आप ऑनलाइन भी होटल बुक कर सकते हैं, booking.com या expedia.com पे जाओ. इसके साथ साथ अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका जो स्पॉन्सर लेटर है या इनवाइट है वो साथ अटैच होगा. अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो MRC के साथ साथ बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो भी साथ अटैच होंगे. एप्लीकेंट जो है वो अगर जॉबियन है तो आपकी मिनिमम 3 जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ अटैच होंगी. आपके एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर लगेगा दैट यू आर एम्प्लॉय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, जिसमें कि आपके आपका डेजिग्नेशन बताया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग डेट या आपको उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कितने साल हो गए, ये उस लेटर में ये सारी डिटेल लिखी हुई होगी. जैसे ही आप जैसे कि या IRCC पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ अरसे के बाद आपको BIL यानी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मिलता है IRCC की तरफ से, जिसपे एक नंबर लिखा हुआ होता है. और फिर आपने उसी डेट पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं. और कनाडा के जो बायोमेट्रिक्स हैं वो 10 ईयर्स तक वैलिड होते हैं. यानी अगर आपने एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया और आपके बायोमेट्रिक हो गए, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा नहीं भी लगा तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करवाने पड़ेंगे, वो आपके 10 ईयर्स तक वैलिड होते हैं. अगर वीज़ा ऑफिसर ने डिसाइड कर लिया है कि उसने आपको वीज़ा देना है तो वो आपसे पासपोर्ट मंगवाएंगे और वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आपको ईमेल या जो है वो आपका कांटेक्ट नंबर के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा कि आप आके अपना जेरीज ऑफिस से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें. और पाकिस्तान में जेरीज ऑफिसेज जो है वो 3 सिटीज़ में काम करें, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है और कराची है. आपने जहाँ पे भी अप्लाई किया, जहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाया, वहीं से जाके आप अपना पासपोर्ट वीज़ा लगने के बाद कलेक्ट कर सकते हैं. कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना इज़ नॉट अ बिग टास्क. अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप खुद भी GC की या IRCC किसी एक पोर्टल पे जाकर आप अपना विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. यदि आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और दिन एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन, अल्लाह ने के बारे में.